तो मैंने सोचा आज सुबह ही से स्टार्ट करता हूँ और तई खन मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया। पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आती है शावर। देखिए दोनों ही होटल भी खुले हुए हैं। अभी ज्यादा शांति पूर्वक जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ये हमारे गुड्डू भाई भी वोट डाल के आ चुके हैं, पास में पहुंचते हैं और आपको एक्सप्लोर कर। क्यों बैठे हो फिर? मोबाइल है। फाइनली अब हम भी वोट डाल के आ गए हैं। अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? सुकून से डाला मतलब बस्ते लगवाए हैं, एक या दो बस्ते लगे हुए हैं केवल पोलिंग बूथ के पास। जैसे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता गठबंधन को लगा है और एक ये लगा हुआ है डॉक्टर नवल किशोर जी का। कितना रुक के डालेंगे? जब भी डालेंगे। हमारा तो उस बूथ पे है, वो वाले जो है स्कूल में डलेगा। अब ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, देखिए ये वोट डाल के आ गए फाइनली। तो ये देखिए भाई साहब वोट डाल दिया इन्होंने भी आज। ला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा शांति से हो रहा है चुनाव है। ये वोट करना चाहिए, भले ही किसी भी पार्टी को आप करते हो वोट जरूर करें। क्यों मामू, क्या कहना है? वोट करना चाहिए है कि नहीं? किसी भी पार्टी को आप वोट करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक और दिन, एक और नया सवेरा और सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आज जो है लोकसभा का चुनाव हमारे वहाँ होने वाला है, तो वही सब एक्सप्लोर कराएंगे इस ब्लॉग में। तो आज जो है वक्त से पहले ही उठ गए हम लोग। देखिए 7 बज रहा है तो आज जल्दी उठ गए हम लोग। अभी हसन हमारा सो रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैंने सोचा आज सुबह ही से स्टार्ट करता हूँ, तई खन मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया है। तो पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं। बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं कैसा क्या चल रहा है हमारे वहाँ, कैसी क्या एक्टिविटीज चल रही है। तो वीडियो प्लीज एंड तक बने रहें और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लिया करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको तो योर दोस्तों में शेयर भी कर लिया करें गाइस। तो चलिए फिर चलते हैं और तैयार होते हैं। तो गाइस फुहारे में नहाने का भी यार अपना एक अलग मजा है। और फुहारे में किसे किसे नहाना पसंद है कमेंट बताओ। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आती है शावर में नहाने में। और गाइस फाइनली अब हम जो है रेडी हैं, क्योंकि हमने आज बालों में जेल लगाया है, क्योंकि सारा दिन आज बाल जो हमारे ऐसे ही इसी तरीके से खड़े रहने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कैसे लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल। तो और ये देखिए हमने ये कपड़े पहने हैं, तो चलिए फिर। और ये देखिए ये महाशय अभी भी जो है उठे नहीं है सो के, अभी भी सो रहे हैं। हसन उठ गए बेटा, हाय कर दो, हाय कर दो एक बार। और गाइस ये देखिए अभी हम बना रहे हैं आमलेट, डाला प्याज और ये रखा हुआ हमारा अंडा और फाइनली पराठे तैयार हैं। और गाइस ये देखिए फाइनली हमारा नाश्ता रेडी है, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं वोट डालने। तो गाइस फाइनली ये देखिए हमारी पर्ची है जो कि हमारे घर पे ही बीएलओ दे गई थी, और ये हमारा पहचान पत्र है जिसके थ्रू हम वोट डालेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और गाइस बहुत ही शांतिपूर्वक जो है चुनाव चल रहा है, देखिए कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए दोनों ही होटल भी खुले हुए हैं। ये देखिए डालिया वोट। तो गाइस बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अभी 10:15 बज रहा है, हम लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं अपने पोलिंग बूथ के पास। तो पोलिंग बूथ के पास पहुंचते हैं, वहां का कवर तो नहीं करेंगे लेकिन जितना जो हो सकेगा वो आपको एक्सप्लोर जरूर कराएंगे। तो वीडियो भी इसी तरीके बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लिया करें जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें। तो प्लीज़ वीडियो पे एंड तक बने रहें और फुल वॉच करें वीडियो को। देखिए हमारे गुड्डू भाई भी वोट डाल के आ चुके हैं और काफ़ी सारे लोग जो है लेडीज एंड जेंट्स सभी लोग वोट डाल के आ रहे हैं। और ये नाले मसट्टे का ये देखिए बंधन बाड़िका के पास का एरिया है जो भी हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो चलिए हमारा जो वोट पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा NAKP इंटर कॉलेज में, जो कि सूर्या दालमोट वालों के सामने है। तो वहां पर पहुंचते हैं, अपना वोट डालते हैं और आपको जितना जो हो सकेगा वो एक्सप्लोर तो कराते ही रहेंगे। और गाइस यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ गया है क्योंकि खास पोलिंग बूथ के पास में है हम लोग। तो पोलिंग बूथ के पास में पहुंचते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं। और यहां पर कोई मतलब ज़्यादा प्रशासन वगैरह नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है शांतिपूर्वक ये इलेक्शन चल रहा है, अभी वोट पड़ रहे हैं।
तो हमें फ़ोन यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो फ़ोन हम यहाँ पर छोड़ देंगे अपने दोस्त के पास और उसके बाद में फिर हम अंदर वोट डालने जाएंगे। शायद अंदर मोबाइल अलाउ ना हो। तुम लोग का क्या हुआ, पड़ गया वोट? क्यों बैठे हो फिर? मोबाइल अंदर ले जाने नहीं दे रहा है? अरे मोबाइल छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो चलो फिर इन्हीं लोग के पास मोबाइल अपना भी छोड़ देते हैं और अंदर। फाइनली अब हम भी वोट डाल के आ गए हैं, ये देखिए। और आप लोग भी अपने मतदान का जरूर चयन करें। तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब करते हैं यार ब्लॉगिंग करते टाइम। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर जो है प्रशासन रुकने नहीं दे रहा है, तो अब घर की तरफ चलते हैं। और काफ़ी अंदर जो है सुकून है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। सभी लोग जो है आराम से अपना अपना वोट डाल रहे हैं। हमारे खालिद भाई भी वोट डाल के आ गए, हसीन भाई भी वोट डाल के आ गए। तो चलिए अब चलते हैं अपने मोहल्ले की तरफ। और बहुत ज़्यादा सुकून से वोट पड़ रहा है, अंदर कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। और ये देखिए गाइस, बिल्कुल एकदम आराम से वोट डाला जा रहा है। ये देखिए हमारे मामू भी वोट डाल के आ गए। डालिया है? तो इसी तरीके के सभी लोग वोट डाल डाल के आ गए हैं। अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? सुकून से डाला बिल्कुल? चलो ठीक है। हाँ, जोर से बटन दबाना पड़ता है, यानी कि बटन थोड़ा जो है सख्त कर दिया गया है। तो मशीन का बोर्ड जो बटन जो है वो सख्त कर दिया गया है, हमारे मामू बता रहे हैं। तो ये थे हमारे इकराम मामू, जिनसे के थोड़ी सी जानकारी मिली यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने एरिया की तरफ और एक्सप्लोर कराते रहेंगे आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा कैसा क्या आएगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही थी और दोस्तों में शेयर भी कर लिया करें गाइस। और गाइस एक बार इस चीज़ को नोटिस किया मैंने कि जैसे हमारे एरिया में जो छोटे छोटे से बस्ते लगाए जाते थे, इस बार वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ एक दो बस्ते केवल देखने को मिल रहे हैं, बाकी कहीं पर भी कोई बस्ते नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है लोगों को दिक्कत हो रही है वोट डालने में। अगर बस्ते लगे होते हैं, जिन लोगों की पर्चियां वगैरह घर नहीं आई होती हैं, तो उन्हें इजीली जो है उनकी पर्ची निकल आती है और वो अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये चीज़ की दिक्कत जो है फेस करना पड़ रही है, क्योंकि जो इन्होंने मतलब बस्ते लगवाए हैं, एक या दो बस्ते लगे हुए हैं केवल पोलिंग बूथ के पास। जैसे कि NAKP डिग्री कॉलेज के पास में एक बूथ केवल एक मतलब बैग लगा हुआ है, और एक इंटर कॉलेज जहाँ के अभी हम वोट डालने गए थे वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा जो है फेस करना पड़ रहा है पब्लिक को। ये बस्ते लगे होते तो इजीली पर्ची निकल आती है, तो बस ये चीज़ की दिक्कत हो रही है गाइस कि अगर बस्ते लगे होते हैं तो आसानी से लोगों की पर्ची निकल आती है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे भी कह रहे हैं कि यार बस्ता ले लेते तो ये दिक्कत नहीं होती। तो चलते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं शायद किसी के पास हो लिस्ट तो मिल जाए, जिससे कि ईजिली जो है लोगों की पर्ची हम उनको प्रोवाइड करा सकें। तो चलते हैं और कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। अगर हो जाएगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे, और नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे इमरान भाई, हमारे शहर के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, गठबंधन को। चलो बहुत बढ़िया। और गाइस ये देखिए हमारे रामू भाई आ रहे हैं, और शायद रामू भाई ने वोट डाल दिया होगा। तो देखते हैं रामू भाई ने वोट डाला कि नहीं डाला, वोट डाला कि नहीं डाला, दिखाओ। और ये देखिए रामू भाई ने भी जो अपने मत का चयन कर लिया है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने घर पर। तो गाइस अभी हम आए हैं तारिक भाई के वहाँ, तारिक भाई से मिलने के लिए। और हमारे साथ में रामू भाई भी आए हैं, ये देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तारिक भाई वोट डालने जा रहे हैं, तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ का थोड़ा सा जायजा लेते हैं और आप लोग को एक्सप्लोर कराते हैं कैसा क्या है। वीडियो पे एंड तक बने रहे। और थोड़ा सा रामू भाई हमारे वीडियो को भी यार थोड़ा लाइक नहीं करते हैं लोग, थोड़ा समझा लाइक कर दिया। और कितनी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, आप देखो सुबह से कई कितनी शूटिंग कर चुके हैं बताओ। सुबह 7 बजे उठे हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, नाश्ता बनाया, उसके बाद नहाए, सब कुछ तो दिखाई दिया है। और अभी शाम बाकी है, बताओ कितनी मेहनत लगती है ब्लॉग। कोशिश करेंगे पूरे दिन का एक्सप्लोर करने की। करते हो देखा, स्किप किया, निकल लिए, फिर कहते हो कि हमारे पे व्यूज नहीं आ रहे। जब तुम दूसरे को नहीं देखो तुम्हें फिर कौन देखेगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट एक प्यारा जरूर करना। हाँ, लाइक शेयर कमेंट। तो गाइस बने रहे प्लीज वीडियो पे। तो गाइस अभी हम लोग खटकपुरे में आए और यहाँ पर ये देखिए बस्ते लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे एरिया में बस्ते नहीं लगे, देखिए ये लगा है और एक ये लगा हुआ है डॉक्टर नवल किशोर जी का, ये देखिए। तो यहाँ पर पर्ची अर्ची की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। भैया आपने डाला? तो गाइस ये क्या नाम है आपका?
चांद मियां भाई वोट डालिया है, देखिए गाइस। तो गाइस ये देखिए जिला राजकीय सरकारी अस्पताल जहाँ के अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ तारिक भाई भी मौजूद हैं, ये देखिए रामू भाई भी मौजूद हैं, रामू भाई पीट करे खड़े हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। तारिक भाई वोट कितनी देर में डालेंगे आप? वोट डालेंगे यार अभी जरा थोड़ा रुक के डालेंगे यार। कितना रुक के डालेंगे? जब भी हमारा तो बूथ पे है, वो वाले जो है स्कूल में डलेगा हमारा। तो गाइस यहाँ पर नहीं पड़ेगा, कछियाना मोहल्ला बता रहे हैं तारिक भाई, कछियाना मोहल्ला में पड़ेगा। इधर बदा खां वालों को पढ़ रहे हैं, बदा खां वालों का इज्जत खां वाले लोग को जो है उनके इधर पढ़ रहे हैं, जो कटकपुरा इज्जत खां से जो लोग हैं उनके इधर पढ़ रहे हैं। अच्छा, सिद्दीकी वालों के उधर पढ़ रहे हैं आगे। तो तुम्हारा सिद्दीकी, हमारा सिद्दीकी में लगता है ना। तो गाइस यहां पर बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, यानी कि वोटिंग हो रही है। अंदर से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी महिलाएं ये देखिए वोट डाल डाल के आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता यहां पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही। प्रशासन भी अलर्ट है, आप देख सकते हैं बराबर राउंड किया जा रहा है गाड़ी से ये देखिए। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग वोट डाल के आ चुके हैं, कुछ लोग वोट डालने के जा रहे हैं। तो चलिए और थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बने रहें प्लीज़। तो गाइस ये देखिए हमारे भाई एक आए हैं जो कि वोट डाल के, ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। देखिए ये वोट डाल के आ गए फाइनली। तो अंदर कोई दिक्कत तो नहीं चल रही भैया? ठीक है सब, माहौल सब ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, यानी कि बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, शुक्रिया। तो गाइस ये देखिए प्रशासन काफी अलर्ट है यहाँ पर, ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं प्रशासन बराबर राउंड कर रहा है यहाँ पर, किसी तरीके की कोई जो है नहीं ना होने पाए। ये देखिए गाइस और बहुत ही शांतिपूर्वक जो है चुनाव चल रहा है हमारे फरुखाबाद शहर में। चुनाव प्रवक्षक जी की गाड़ी गई है यहाँ से अभी के अभी। और गाइस अभी जो है 4:10 हो रहे हैं और अभी भी यहाँ पर वोटिंग की स्पीड थोड़ी घट गई है। और अभी फलक डालने वोट गई है हमारी, वो वोट डाल के आ जाएगी तो यहाँ से हम निकलेंगे। और काफ़ी धूप की वजह से लोग जो है इस टाइम कम वोट डालने आ रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर तक जो हैगा स्पीड डाउन चलती है। जैसे ही लगता है 5 बजे के बाद जो है स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी वोटिंग की, अभी तो स्लो है, बहुत कम लोग देखिए आ रहे हैं। और फलक वोट डालने गई है, फलक जैसे ही निकलती है आपको दिखाते हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। और प्रशासन जो हैगा बराबर यहाँ पर राउंड कर रही है गाड़ियाँ, जिससे कि किसी भी कोई तरीके की हानि ना होने पाए। ये देखिए मुकीम भाई भी वोट डालने आए थे, डाल दिया। और ये हमारी मुमानी भी साथ में आई हैं मुकीम भाई के। ये देखिए हमारी मिस्किन मुमानी भी डालने आई थी और फाइनली इन्होंने भी अपने मत का चयन कर लिया है। ऑल राइट। और गाइस फाइनली ये देखिए फलक भी वोट डाल के आ गई है। तो ये देखिए भाई साहब वोट डाल दिया इन्होंने भी आज, और बना दी सरकार। और ये सारी की सारी बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिसमें कि सारे का सारा पुलिस फोर्स आया था। देखिए एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है और एक इन फ्रंट ऑफ ये खड़ी हुई है बिल्कुल स्कूल के सामने। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं वापसी। और अभी दीदी वोट डालने आई हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं, पहले खाला दीदी को लेकर आते हैं, उनका वोट पड़वाते हैं और उसके बाद में फिर अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर दूँगा। अभी ख़त्म नहीं करते हैं, बाद में ख़त्म करेंगे। और गाइस ये देखिए अब हमारी खाला बीबी वोट डालने के लिए जा रही हैं और बाइक से हम उनको लेके जाते हैं और वोट डलवाते हैं। तो गाइस ये देखिए जीशान भाई भी हमारे वोट डाल के आ गए हैं। जीशान वोट करा? yeah. माशाल्लाह, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा शांति से हो रही है चुनाव है, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ कोई मतलब किसी भी तरीके के कोई वो नहीं हुआ, एकदम शांति से सब कुछ निपट गया। और अराउंड 4:45 जा रहा होगा और काफी ज्यादा जो है एक्टिविटीज बढ़ गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल आराम से सब लोग अपनी अपनी वोटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके का जो है संयम बनाए रखें और आराम से वोटिंग करें। और गाइस ये देखिए भूख लगती रहती है इनके, भूख इनकी मिट नहीं पाती है। और गाइस ये देखिए असलम मामू और मासूम अली भाई भी जा रहे हैं वोट डालने। तो NAKP डिग्री कॉलेज का व्यू मैं दिखा नहीं पाया था आपको, माजरत चाहता हूँ, थोड़ा डिले हो गया मामला, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये जो आप रेड कलर का बोर्ड देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पे, ये NAKP डिग्री कॉलेज का है और यहाँ पर भी बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। तो ये देखिए और 5 बजे का टाइम है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है वोटिंग और बहुत जल्दी जो है ख़त्म होने वाली है वोटिंग। तो चलिए ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर वोट डाल चुके हैं, कुछ लोग वोट अभी भी डाल रहे हैं। और ये देखिए हमारे मामू लोग वोट डाल दिया, मामू डाल दिया है? चलो बहुत बढ़िया, मतलब आँखी बनी है फिर भी वोट डाल दिया है, बहुत बढ़िया है यार मामू।
तो गाइस ये देखिए हमारे मामू हैं जो कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं और इनकी अभी के अभी ऑपरेशन हुआ है आंखी का, लेकिन वोट डालने आए हैं। पार्टी से इतना लगाव तो होना चाहिए, पार्टी से नहीं लेकिन लोकतंत्र से इतना लगाव तो होना चाहिए कि वोट करना चाहिए। भले ही किसी भी पार्टी को आप करते हो, वोट जरूर करें। क्यों मामू, क्या कहना है? वोट करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, किसी भी पार्टी को आप वोट करें, वोट जरूर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस ये देखिए फाइनली जो है बीबी भी हमारी वोट डाल के आ चुकी हैं और 5 बज रहा है गाइस, तो सब ज़्यादा कुछ हद तक वोट पड़ चुके हैं। तो चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त को यूर अंसारी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।